तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल दुबे के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के दो ऐसे बड़े अपडेट के बारे में, व्हाट्सएप में आए दो नए फीचर के बारे में। दोस्तों, काफ़ी कमाल के फीचर व्हाट्सएप ने अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर दिए हैं, उन्हीं दो फीचर्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वो दो फीचर्स कैसे फीचर्स हैं, बहुत कमाल के फीचर्स हैं, तो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको WhatsApp पर किसी से चैटिंग करनी है, आपको उसका सबसे पहले नंबर सेव करना होता है, आपको अपने कॉन्टैक्ट में जाना है, उसका नंबर लेना होता है और सेव करना होता है, उसके बाद WhatsApp में जाना होता है, फिर आपको वहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट दिखता है, WhatsApp अकाउंट उसका दिखता है। लेकिन यहाँ पर WhatsApp ने एक नया फीचर ला दिया है जिसकी मदद से आप QR कोड के मदद से कॉन्टैक्ट को ऐड कर पाओगे और उस पर मैसेज कर पाओगे। ऐसा करने के लिए सिंपल आपके प्रोफाइल के बगल में एक QR कोड देखने को मिल जाता है। तो सिंपल आपको किसी, मान लीजिए किसी बंदे के WhatsApp पर आपको मैसेज करना है, तो आपको सिंपल उसका फ़ोन लेना है और उसके WhatsApp को ओपन करना है, तो वहाँ पर आपको एक QR कोड मिल जाएगा और उस QR कोड को अपने फ़ोन से आपको स्कैन करना है, अपने WhatsApp से स्कैन करना है और उसका WhatsApp अकाउंट वहाँ पर आ जाएगा। और आप चाहे वहाँ पर डायरेक्टली मैसेज उसे कर सकते हैं, नहीं तो आप उसके नंबर को भी सेव कर सकते हैं। तो इस तरह का नया फीचर WhatsApp में आने वाला है। आने वाला क्या, बहुत लोगों को मिल भी गया है, बीटा वर्जन में इस फीचर्स को रोल आउट किया जा रहा है, कुछ ही लोग को अभी तक मिला है। तो जब ये फीचर्स पूरी तरह से रोल आउट हो जाएगा तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, यह था हमारा पहला अपडेट जिसमें आप QR कोड से स्कैन कर किसी के भी कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हो अपने WhatsApp पर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे अपडेट की, WhatsApp के एक नए दूसरे अपडेट के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो WhatsApp अकाउंट है उसे आप एक ही फ़ोन में यूज कर पा रहे थे, क्योंकि अगर आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में भी उसी WhatsApp अकाउंट को लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपका लॉगिन नहीं होता था। इसलिए यहाँ पर WhatsApp ने लॉग आउट लॉगिन का फीचर ला दिया है जिसकी मदद से आप बिल्कुल Facebook की तरह ही अपने WhatsApp अकाउंट को दूसरे फ़ोन में भी लॉगिन कर पाओगे। इसमें भी आपका WhatsApp अकाउंट चलता रहेगा और दूसरे फ़ोन में भी आप लॉगिन कर पाओगे। तो गाइस, ये जो लॉग आउट वाला फीचर है ये बिल्कुल Facebook की तरह ही वर्क करता है। जैसा आप Facebook में चला पाते हो, आप अपनी ID को लॉगिन कर पाते हो, लॉग आउट कर पाते हो, एक फ़ोन, दूसरे फ़ोन, तीसरे फ़ोन, कई सारे फ़ोन्स में आप अपनी Facebook ID को लॉगिन कर यूज कर पाते हो, तो इसी तरह का WhatsApp में भी फीचर आने वाला है। आप WhatsApp में भी अपने अकाउंट को कई सारे प्लेसेस पर लॉगिन कर सकते हो, कई सारे फ़ोन्स में लॉगिन कर सकते हो और लॉग आउट कर दूसरे अकाउंट में साइन इन कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। तो गाइस, इस तरह के दो बड़े अपडेट WhatsApp पर होने वाले हैं। ये QR कोड वाला जो मैंने पहले बताया, सबसे पहला अपडेट, ये अपडेट जहाँ तक है रोल आउट हो गया है। आप अगर बीटा वर्जन को डाउनलोड करते हो WhatsApp का तो ये फीचर आपको देखने को मिल जाएगा QR कोड वाला, लेकिन ये लॉग आउट और लॉगिन का फीचर अभी तक मुझे तो नहीं मिला है। अगर मुझे मिलता है तो मैं जल्द ही वीडियो भी बना दूंगा इन दोनों अपडेट पर, अगर मुझे मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर ये फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना है, उसके बाद सभी को ये फीचर मिल जाएंगे, WhatsApp के दोनों अपडेट सभी के WhatsApp में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल ये थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन आप वेट कर लीजिएगा, जैसे ही आएगा मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो दोस्तों, यही थे WhatsApp के दो बड़े अपडेट जो मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।